हेलो, मेरा नाम सीमा सारस्वत है। आज हम बनाएंगे पास्ता स्पिनिश चीज़ स्टार्ट विद राजमा राइस चीज़ रोल। मैं हमेशा नरिश के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ जो मैंने नरिश की वेबसाइट से बनवाए हैं। आप भी होम डिलीवरी करा सकते हैं, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। चलिए हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बॉयल पास्ता जो 100% होल व्हीट से बना है। जब एक ही आटे में मिले हो 6 ग्रेन के बेनिफिट, तो फिर आप इसे क्यों ना चाहेंगे। जी हाँ, मैं यूज करती हूँ नरिश का मल्टीग्रेन आटा जो फाइबर से भरपूर है। चावल, राजमा, बेसन, हरी मिर्च, पनीर, बारीक कटे गाजर, चीज, टमाटो की स्लाइस और बारीक कटी हुई प्याज और धनिया, चाहिए पालक। चलिए स्टार्ट करते हैं टार्ट बनाना। सबसे पहले हम मल्टीग्रेन आटा लेंगे। ये मैंने 3/4 कप आटा लिया है और इसमें 1.5 कप हम नरिश का सनफ्लावर ऑयल डालेंगे जो फैट को कम करने में मदद करता है। थोड़ी सी अजवाइन, सॉल्ट। अब इसका डो बना लेना है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रखेंगे। जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है फ्रिज में, तब तक हम टार्ट की फिलिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल और इसमें हम थोड़ी सी प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम कैरेट डालेंगे। कैरेट को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे थोड़ी देर। अब इसमें ऐड करेंगे हम पनीर की स्लाइसेस। और बॉईल किया हुआ पालक। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट। अब ऐड करेंगे पास्ता। मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी और ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है। ये देखिए हमारा डो तैयार है। अब इसे हम टार्ट में डालेंगे। ये टार्ट का बर्तन है। अब इसको मैंने ऑयल कर लिया है चारों तरफ। अब इसको मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूंगी। ये देखिए, ये हमने कर लिया है टार्ट। अब इसको हम फॉर्क से इस तरीके से छेद कर देंगे इसमें। और मैंने ऑलरेडी ओवन जो है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब इसको मैं 20 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखूंगी कन्वेक्शन मोड पर। हमारा टार्ट क्रस्ट तैयार हो रहा है, तब तक हम राजमा राइस चीज रोल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बॉयल्ड राइस। मैं काफी टाइम से नरिश के राइस जो हैं वो यूज कर रही हूँ। ये देखिए, एक एक दाना जो है वो खिलकर आता है। और इसको हम लेंगे 1 कप। अब इसमें हम ऐड करेंगे फ्लोरेट रिच राजमा शर्मिली जो 100% अनपॉलिश है। ये भी उबाल के ही यूज करना है हमको। अब इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज,
हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, इनको डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले में थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे और इसके अंदर हम ये चीज़ को फिल कर देंगे। फिल करके इसका रोल बना लेंगे। इस तरीके से सारे पेड़े तैयार कर लेंगे रोल। इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। और ये जो मैंने बेसन लिया है, ये नरिश का बेसन है जो कि कैलोरीज को कम करने में मदद करता है। इसका हम घोल तैयार करेंगे। इस तरीके से घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम इसमें रोल को इस तरीके से डिप करके शैलो फ्राई करेंगे। हमारी राजमा राइस चीज रोल तैयार हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। चलिए अब हम तैयार करते हैं टार्ट। ये देखिए हमारी ये टार्ट क्रस्ट तैयार है। अब इसके अंदर हम फिलिंग फिल करेंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी। थोड़े से टमाटो और ये चीज़। अब इसको हम 10 मिनट तक के लिए बेक करेंगे। हमारी टार्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश में प्रेजेंट करेंगे। देखिए हमारी डिश तैयार है। आप इसको चटनी और सॉस से खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में खा सकते हैं।